everyone, welcome back to the channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ. आज हम आए हैं ला ओरिजिन IVF सेंटर, विच इज नियर राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, जो कि है न्यू दिल्ली में. तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉक्टर युक्ति वधावन से, जो कि इस सेंटर की ओनर भी है और यहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट भी है. तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर युक्ति से और जानेंगे इस सेंटर की कुछ स्पेशलिटीज के बारे में, कि यहाँ की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज क्या है. कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे मैम से इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. आप सभी जल्दी जल्दी कॉमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी पोस्ट अ न्यू वीडियो टू द चैनल. तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर युक्ति वधावन से. सो हेलो एवरीवन, वी आर हियर इन ला ओरिजिन IVF सेंटर और हम बात करेंगे डॉक्टर युक्ति वधावन से. मैम इज हियर आज हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. डॉक्टर युक्ति यहाँ अवेलेबल है, हमें टाइम दे रही है एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल मैम कि आप हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी ज्यादा सफिशियंट नॉलेज आज इस वीडियो में शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर युक्ति वधावन ला ओरिजिन IVF एंड गायनेकोलॉजी सेंटर से, और आप सभी का शुक्रिया और डॉक्टर ऋतु आपका स्पेशली शुक्रिया कि आपने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं इन सबको एजुकेट कर सकूं. थैंक यू सो मच मैम. आपके एजुकेशन की क्या बात करें, क्योंकि लास्ट जो मीटिंग थी उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर शेयर की है, जिन्होंने भी देखी होगी उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया इस चीज को. मैम बहुत अच्छी टीचर है और आज इस सेंटर पर हम मैम से जानेंगे कि ला ओरिजिन IVF सेंटर की स्पेशलिटीज क्या है, क्या की फैसिलिटीज क्या है और मैम किन किन चीजों में डील करते हैं. तो मैम फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड दिस ब्यूटीफुल सेंटर ऑफ योर्स. जी जरूर. सो मेरा नाम डॉक्टर युक्ति वधावन है, मैं प्राइमरली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरी स्पेशलाइजेशन है फर्टिलिटी में और एस्थेटिक गायनेकोलॉजी में. ये सेंटर जो आप देख रहे हैं ये है ला ओरिजिन IVF एंड गायनेकोलॉजी सेंटर, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली. ये बिल्कुल राजौरी गार्डन की जो रेड लाइट है, मेट्रो स्टेशन है, उसके एकदम करीब में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो मैं बेसिकली हर तरह की लड़कियों को, किसी भी एज ग्रुप की लड़कियों को अटेंड करती हूँ, चाहे एक एडोलेसेंट एज हो या एक मेनोपॉजल लेडी हो. सो ऑल द एज ग्रुप्स आर कवर्ड हियर एंड ऑल द पेशेंट्स आर अटेंडेड टू. मैं यहाँ पे एक ही गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो पेशेंट शुरुआत से एंड तक सिर्फ मुझे ही मिलेंगे. तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं है कि आप हर बार जाएंगे और किसी और डॉक्टर से आपका कांटेक्ट होगा. आप जब भी आएंगे आपका वन पॉइंट कांटेक्ट मैं ही रहूंगी. सो हम ला ओरिजिन IVF सेंटर पे प्रॉपर्ली इक्विप्ड हैं, हमारे यहाँ सभी चीजें अंडर वन रूफ हो जाती हैं, जैसे कि आपके ब्लड टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हो, आपके कोई ऑपरेटिव अगर प्रोसीजर है, माइनर है या मेजर है, सभी प्रोसीजर्स यहाँ पे किए जाते हैं और पेशेंट को और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर हियर ओनली. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं. सो आई वुड से कि हमारा सेंटर जो है दैट इज एकदम अच्छे से इक्विप्ड है. जो भी टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो हम यहाँ मेंटेन करते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो, चाहे वो स्टाफ में हो, चाहे वो एयर क्वालिटी में हो एंड चाहे स्टेरिलिटी में हो. क्योंकि जो IVF लैब होती है दैट इज लाइक द हार्ट ऑफ द IVF सेंटर, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, जो एग्स और स्पर्म्स हैंडलिंग है, जो एम्ब्रियो हैंडलिंग है, वो लैब में होता है. तो वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एयर क्वालिटी बेस्ट रखें, तो हमने यहाँ पे उस तरह से ही अपने सिस्टम्स मेंटेन किए हैं ताकि हमारी एयर क्वालिटी बाहर की एयर क्वालिटी से बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड रहे, ताकि हमारे जो एम्ब्रियोस हैं और गैमीट्स हैं उनमें किसी भी तरह की कुछ इन्फेक्शन का या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो ये सब हम मेंटेन करते हैं और आप लोग मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं. आप कभी भी आना चाहें तो आप आके हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं. हम आपको यू नो वी कैन गिव यू अ टूर एंड आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से मेंटेन करते हैं. इस वीडियो में हम लोग टूर अटैच कर देंगे, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लैब है. ब्यूटीफुल के साथ साथ आप देखेंगे
कि यहाँ लैब फैसिलिटीज स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ आपको मिलेगा, मैम बहुत ज्यादा हम्बल है, हर एक पेशेंट को बहुत अच्छे से अटेंड करती है। एक चीज मैम ने यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट कही कि मैम हर बार आपको मैम ही मिलेंगी, कोई चेंज डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो हर बार आपने जो आपको डेवलप की है मैम के साथ वो वैसे ही देने में ली है। अभी मैम ने हमें बताया कि मैम गायनेकोलॉजिस्ट भी है, तो जनरली लोग इस चीज को लेकर बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं कि IVF सेंटर में हमें सिर्फ उन कपल्स को आना चाहिए या उन महिलाओं को आना चाहिए जिनको कंसीव करने में, जिनको बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बेबी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट आपको, एडिशनल बेनिफिट बोनस मिलेगा कि मैम सारे गायनेकोलॉजिकल केसेस देखती है, दैट मीन्स सभी लेडीज को, लड़कियां जो प्यूबर्टी के एज में है मेनोपॉज तक, जब तक आपका जो है महीना या मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होते हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो भी आप मैम से आके मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं रखना कि लाओ वजन IVF सेंटर में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना है जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मैम से जानते हैं कि मैम IVF सेंटर में क्यों और कब वो हाई टाइम होता है जब किसी भी कपल को या किस महिला को, किसी भी मेन को आना चाहिए। एक और प्रश्न मैं ऐड करना चाहूंगी कि मेन जनरली सोशली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम में कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मेंस के लिए आपके पास क्या स्पेशल फैसिलिटीज है, प्लस IVF सेंटर में कब और क्यों एक व्यक्ति आए? जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ना बहुत कॉमन हो गया, ऐसा बोलते हैं कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आर राइजिंग। व्हाई आर दे राइजिंग? क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, एज एट मैरिज बढ़ रही है, पोल्यूशन इतना है, हमारा यूज ऑफ गैजेट्स इतना है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, हर कोई काम में इतना स्ट्रेस्ड आउट है, जो भी स्पेशली जो कॉर्पोरेट कल्चर में है, MNCs वाले हैं या स्मॉल बिजनेसेस में भी हैं, तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं। उसके साथ साथ एडिक्शंस बहुत हैं आजकल, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और ऐसा मानती हूँ मैं कि ना वो एक सोसाइटी का चलन सा बन गया है। तो बहुत सारे लोग जो पहले इन एडिक्शंस पे नहीं थे, लेकिन देखे देखी में ही बहुत ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, जानते हैं कि हानिकारक है, फिर भी उस तरफ जाते हैं। जी, तो ये सारे रीजंस जो इन टोटालिटी हैं, ये सब एड ऑन होके एंड प्लस द मेडिकल डिसऑर्डर्स। मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज इज ऑन द राइज, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फैमिली हिस्ट्री में आ रहा है, पेरेंट्स की हिस्ट्री पे आ रहा है, तो कपल में भी आ रहा है, राइट? तो डायबिटीज बढ़ रहा है, इसी तरह से BP के इश्यूज हैं, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लड़कों में स्पेशली जो लड़के एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की हो या उन्होंने सप्लीमेंटेशन ली हो, उन्हें ये नहीं मालूम कि उस एक्सेसिव एक्सरसाइज का उनके टेस्टिकल्स पे, उनके स्पर्मेटोजेनेसिस पे, जो स्पर्म फॉर्मेशन है उस पे कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, ये वो नहीं जानते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आजकल फर्टिलिटी जो है वो हैम्पर हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सो क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, ये कभी भी एक पार्टनर की वजह से नहीं है, दिस इज अ कपल थिंग, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों इक्वली भागीदार हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल कॉजेस हैं और मेल बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इनफर्टिलिटी के लिए, और दोनों ही में कॉजेस हो सकते हैं जो एक कपल को हम इनफर्टाइल या सब फर्टाइल में कहना चाहूंगी ऐसा लेबल कर देते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैम ने बताया, आजकल का लाइफस्टाइल है, गैजेट्स है, स्मोकिंग है, तो इन जो हम जो ऐसा चाल चलन है आजकल के सोसाइटी का, और ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग है, ये सब बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज के लिए। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी अपने सभी व्यूअर्स को, जरूरी नहीं है कि आपने प्रिलिमिनरी अपना सब ट्रीटमेंट यहां वहां जाकर ही कराना है, जब भी एक कपल डिसाइड करें कि नाउ दे आर रेडी, दे वॉन्ट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, दे शुड विजिट अ फर्टिलिटी सेंटर। इसके कारण है, देखिए जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना रूटीन लाइफ में, तब हम फिजिशियंस को, आपके पास भी आते होंगे ऐसे पेशेंट्स जो डेफिशिएंसीज हैं, डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, उन्हें क्योर करने के लिए। पर जब आप ये प्लान करें कि हाँ जी अब हमें यहां से बेबी प्लानिंग शुरू करनी है,
इसको हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. दिस इज द पॉइंट वेयर दे शुड स्टार्ट विजिटिंग पीपल लाइक अस. एनी फर्टिलिटी सेंटर जो भी आप सही समझे वहां पे आप जरूर विजिट कीजिए. आजकल एक नया एआरटी बिल आ गया, सभी लोग अवेयर हैं. इट्स जस्ट कमिंग मी. ये अपग्रेडेड नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रही है क्योंकि जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, दे कैन बी स्टूडेंट, दे कैन बी लेमैन या कुछ बिगिनर्स हो सकते हैं, बिगिनर प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं. तो एक अपग्रेडेड नॉलेज आप शेयर कर रही है कि किस बॉडी लाइन तक आपको अपने पेशेंट को अपने पास रखना है, कब तक आप उन्हें मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं और कब आपको उन्हें भेज देना है मैम के पास या किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, सो दैट आपका पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ जाए, सिर्फ रिलीफ की तरफ नहीं. तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करें, प्लीज जरूर सुनिए ध्यान से. सो देयर इज अ न्यू एआरटी बिल. एआरटी मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि हम ये सारे आईवीएफ, आईयूआई, ओविलेशन इंडक्शन, सभी प्रोसीजर्स को एआरटी प्रोसीजर्स बोलते हैं कलेक्टिवली. तो गवर्नमेंट ने एक नया बिल इश्यू किया है, पास हुआ है, जो अभी मई 2022 में ही पास हुआ है. इसके अकॉर्डिंगली कोई भी फर्टिलिटी पेशेंट, इवन अगर हम बोले कि एक हिस्ट्री टेकिंग है तो बेसिक चीज है, हम किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो भी उसके लिए भी रजिस्टर करना जरूरी है. सो पहले जैसे होता था कि हम फिजिशियंस के पास, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स के लिए, डिस्कशन के लिए चले जाते थे, तो अब पेशेंट्स के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक कि वो एआरटी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है. सो उन्होंने एक्चुअली, गवर्नमेंट ने ये इजी कर दिया है सभी पेशेंट्स के लिए भी, कि जहां से आपको जो शुरुआत है, जो प्री कंसेप्शनल टाइम है, वहीं से आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले ताकि आपकी काउंसलिंग में, आपकी प्री मेडिकेशन में, आपकी इन्वेस्टिगेटिव पार्ट, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो. इसका बेनिफिट ये है, सबसे पहली चीज हमें वेल ऑन टाइम मालूम है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, हम उसे ही ट्रीट कर सकते हैं. दूसरी चीज, पेशेंट का टाइम वेस्ट नहीं होता है. पहले क्या होता था, पेशेंट एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, फिर वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, फिर वो एक बेसिक अपना ट्रीटमेंट करते हैं. जब कुछ नहीं हो पाता तब पेशेंट हार के एक फर्टिलिटी सेंटर आता था. ये ट्रेंड को हमें बदलना जरूरी है क्योंकि वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आईवीएफ प्रोसीजर्स में. एज एज इट इज, हम देखें कि आजकल ना सभी लोग एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ, तो पहली बात तो एज एट मैरिज डिलेड है. दूसरी चीज, जब मैरिज हो जाती है इमीडिएटली कंसीव नहीं करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देयर करियर, दे वॉन्ट टू हैव अ गुड अर्निंग, एक लगता है कि स्टेबल इनकम हो रही है, फिर बच्चा प्लान करेंगे. तो डिले पे डिले है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइल्ड बर्थ जो है वो 30s में आ रहा है. सो एज इट इज हमें पता है कि जहां एक लड़की की एज 30+ होने लगती है, उसका एग रिजर्व जो है वो कम होने लगता है, कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, एक क्वांटिटी भी और एक क्वालिटी भी, जो कि हर 6 महीने में फर्दर डिक्लाइन होती है. तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज टाइमिंग. हम क्या होता है, जब हम प्रिलिमिनरी यहां वहां ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो हम पेशेंट का बहुत वैल्यूएबल टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं. कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, बट अनजाने में ही हो जाता है. सो मेरे सजेशन सभी व्यूअर्स से ये रहेगा और सभी प्रैक्टिशनर से भी यही रहेगा कि जो भी प्रिलिमिनरी डिजीजेस हो, इन्फेक्शंस हो, डेफिशिएंसीज हो, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आप प्लीज उन्हें जरूर ट्रीट कीजिए. और जहां एक पेशेंट रेडी है टू प्लान अ बेबी, वहां पे आप किसी भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कीजिए. तो उससे पेशेंट का सही वक्त रहते फायदा हो जाएगा और उन्हें बहुत सारे एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट में से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही छोटे मोटे हेल्प से ही उनका काम हो जाएगा. और आपका आपके पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रैपोर्ट डेवलप हो जाने वाला है, क्योंकि आप उनका कीमती समय, कीमती मनी जो है वो बचाने वाले हैं, एज वेल एज सही समय पर सही सजेशन देने से आप बिल्कुल ऐसा फील ना करें कि वो क्या सोचेंगे कि आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए आप रेफर कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. आप एक, अगर आप एक काइंड एंड ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर हैं
तो आप ये समय रहते करेंगे, वो जजमेंट आपका, उस समय का लिया हुआ निर्णय जो है आपका, वो उसके आगे का पूरा लाइफ स्टाइल या पूरा लाइफ एक कपल का वहां पर डिफाइन कर देता है। मैम ने इतने अच्छे से ये चीज हमें इलाबोरेट करके बताई। सो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज को ऐसे ना सोचें कि यहाँ मैम बोल रहे हैं कि इस तरह का कोई बिल पास हो गया है तो कोई भी अपनी प्रैक्टिस ना करे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। इसको अदरवाइज नहीं लेना है, आपको इसको इस तरह से समझना है कि आपको उस चीज को उस व्यक्ति का जो है टाइम बचा लेना है, सो दैट एक सही समय पे सही गाइडेंस मैम जैसे एक्सपर्ट वर्ड बताता है हमें, एक्सपर्ट जब हमें देंगे तो उसका भला ही होगा, उस कपल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा मैम से है वो, मैम जब IVF सेंटर में आपके पास पेशेंट्स विजिट करते हैं तो मेरा क्वेश्चन था कि मेल्स के लिए या काउंसलिंग के लिए क्या फैसिलिटीज हैं आपके पास? जी, सो वी हैव सेपरेट काउंसलर्स। हमारे पास एक स्पेशल साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे ऑन बोर्ड हैं, वो डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज करते हैं। तो एक होती है, हम करवाते हैं कपल काउंसलिंग। तो बहुत सारी ऐसी कपल की इंटीमेट बातें या मान लीजिए फैमिली के ऐसे मैटर्स होते हैं जो उन्हें सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग का बहुत महत्व है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें डायग्नोस कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिसफंक्शन। हमारी कंट्री में लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों। लेकिन आप मानिए 40% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस आर ड्यू टू सेक्सुअल डिसफंक्शंस। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एक स्पेशल डॉक्टर हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम एक कपल काउंसलिंग कराते हैं, एंड वी हैव अ मेल काउंसलर एज वेल। तो हमारे जो भी मेल पार्टनर्स हैं, पेशेंट्स के हस्बैंड्स हैं, उनके लिए हमारे मेल काउंसलर हैं, ताकि वो बहुत कंफर्टेबल रहें, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शाइनेस नहीं रही उनके मन में, जो भी चाहे वो बात आपको लगे कि इररिलेवेंट है, सिली क्वेश्चन है कि पता नहीं मैं पूछूं। हमारा काम यहाँ पे आपको ट्रीट करना है, आपको कंफर्ट देना है, आपको जज करना नहीं है। सो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, निश्चिंत होकर आप आ सकते हैं। आप चाहें कि जी मैं सिर्फ एक मेल काउंसलर से बात करना चाहता हूँ और मैं मैम से नहीं डिस्कस करना चाहता, वेरी मच पॉसिबल। हम पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर साइकोलॉजी। तो हमें ट्रीटमेंट वहां से शुरू करना है। हमारा जो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंस होता है वो होता है कि हम पेशेंट को डी स्ट्रेस कर पाए। पेशेंट जब यहां से जाए वो रिलैक्स फील करे, उसे लगे कि मेरे सारे आंसर्स हो गए हैं, मेरे सारे क्वेश्चंस आर आंसर्ड, मेरे मन में कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और एट द सेम टाइम वो ये उसको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा जो भी ट्रीटमेंट है वो सही होने वाला है। जब आप इस तरह के डॉक्टर से मिलते हैं तो आप अपने आप को जरूर सरेंडर कर देंगे, क्योंकि मैम इतनी ट्रांसपेरेंसी से हर चीज हमें बता रही है, आप सब कुछ इन पर छोड़ देने वाले हैं। वो आप तब कर पाएंगे जब आपको सामने से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि आपको मिलेगा ना ओरिजिनल आईवीएफ सेंटर पे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारे यहाँ पे एक चलन है कि हम अपने पास पेशेंट के कोई भी कागज नहीं रखते, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, चाहे जो मैं आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखकर दे रही हूँ, वो सारा का सारा पेपर इन रिटन टाइप पेशेंट को हैंडओवर कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है। अगर आपका एक मान लीजिए सिर्फ सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, या IUI है, या IVF है, तो जो भी आपकी विद पिक्चर्स, जो भी रिपोर्ट्स हैं, प्री वॉश, पोस्ट वॉश, या सीमन रिपोर्ट जो आई, या हमने क्या इंजेक्शन दिए, किस नाम के दिए, किस डोजेज में दिए, हर एक चीज पेशेंट को हैंडओवर कर दी जाती है। यहाँ पे हम अपने पास एक रिकॉर्ड फाइल जरूर मेंटेन करते हैं, पर ओरिजिनल सभी पेपर्स आप ही के पास रहेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहे कि न जाने हमारे साथ क्या हुआ है, क्या किया है। नहीं, हम फुल नॉलेज खुद ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। सेकेंड ओपिनियन के लिए कई बार लोग सोचते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप यहाँ आएंगे तो, लेकिन अगर सेकेंड ओपिनियन के बारे में कोई सोच रहा है तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, प्रिस्क्रिप्शन होंगे, आप किसी और को भी वो सब दिखा सकते हैं। कहीं और आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप स्टेट छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो आपका प्रोसेस वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जहां पहले रह गया था।
तो कहीं पर भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं आने वाला है अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, मतलब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट से पेशेंट्स आते हैं, जैसे वो वीडियोस देखते हैं या रिव्यूज, या जो हमारे पेशेंट्स यहाँ से अपने होम टाउन चले गए हैं तो फिर वो रेफर करते हैं। तो पेशेंट्स पूरे इंडिया से कभी भी कहीं से भी आते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए कि कहीं उन्हें रहना हो या कोई भी चीज की उनको जानकारी चाहिए हो कि ये कहाँ रह पाएंगे, कैसे हो पाएगा। और उन पेशेंट्स में हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो प्री मेडिकेशन वगैरह है वो हम ऑनलाइन कंसल्ट या एक पहले उनको लिख कर दे दें कि ये आपका टाइम स्केड्यूल है, आप इस टाइम में विजिट कीजिए, तब तक आपकी ये दवा चल चुकी होगी, और ताकि जब आप यहाँ आए तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑफ द कपल हम डायरेक्टली उनका ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू कर पाए। और जैसे ही उनका IUI हो या मान लीजिए IVF का प्रोसीजर है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद में तुरंत वो लोग वापस अपने होम टाउन सिटी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्रेशियस टाइम हम सभी को दिया, इतनी ज्यादा ग्रेट डिटेल में हमारे साथ नॉलेज शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम के साथ और वीडियो शूट करें तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम वीडियो शूट करें और मैम से बात करें और आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल येट, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।